जय हिंद साथियों। साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं कोर्स टू का कंटेम्पोररी इंडिया एजुकेशन का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। दोस्त आज का क्वेश्चन है आरटीई 2009 शिक्षा के अधिकार अधिनियम और इसके प्रमुख प्रावधान की व्याख्या करें। तो आज का क्वेश्चन है कि आरटीई 2009 का पूर्व तरीके से इसमें क्या क्या प्रावधान था, इसको प्रमुख रूप से व्याख्या करना। चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपको पता होना चाहिए आरटीई एक्ट 2009 जो है इसका पूरा नाम क्या है। आरटीई का जो पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट नाम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसका हिंदी हुआ शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि 2009 में इसे पारित किया गया था। मतलब 2009 में इस अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को लाया गया था। इस अधिनियम का नाम कुछ इस प्रकार रखा गया है, यानी कि आरटीई जो एक्ट है 2009, इस अधिनियम का नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम था निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यानी कि यह शिक्षा बिल्कुल फ्री होना चाहिए और यह बाल शिक्षा के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया आरटीई का अधिनियम का जो नाम रखा गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस अधिनियम के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं। अब इस अधिनियम में क्या क्या वो बात था, क्या क्या तथ्य है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला से डिस्कस करते हैं। तो पहला, इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। यानी आरटीई एक्ट जो है 2009, ये कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010। दूसरा पॉइंट है, इसमें 86वें संशोधन, संविधान संशोधन 2002 को संशोधित करके लाया गया था। यानी कि इसमें संविधान का कैवा संशोधन किया गया, तो 86वां संशोधन यानी 86th संशोधन किया गया और इसको संशोधित करके 2002 में लाया गया था, यानी कि 2002 में इसको संशोधित किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका उद्देश्य 6 से 10 वर्ष के बच्चों यानी 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। यानी कि इसमें जो मुख्य रूप से इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है, 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक बालिका है उनको बिल्कुल फ्री में शिक्षा प्रदान करना। फिर आगे है, इसे 12 दिसंबर 2002 को अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। यानी कि सर्वप्रथम 12 दिसंबर 2002 को संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 21A में क्या किया गया, तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक मूल अधिकार का दर्जा मिला, यानी कि मुख्य रूप से इसको दर्जा मिला। और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह अधिनियम बन गया। यानी कि 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया, तो यह अधिनियम बन गया, मैंने पूर्ण तरीके से बन गया। अगला पॉइंट है, भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश था। यानी कि शिक्षा के अधिकार को मैंने पारित करने के लिए, जोड़ने के लिए, ये विश्व में कैवा स्थान है भारत का 135वां। अगला पॉइंट है, यह 1 अप्रैल 2011 को आरटीई एक्ट संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। यानी कि यह आरटीई जो एक्ट है 2009 वाला, ये राजस्थान में कब लागू हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया राजस्थान में। फिर आगे लिखा हुआ है कि आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत अध्याय कौन कौन सा है। यानी आरटीई के अंदर जो है कुछ अध्यायों को जोड़ा गया। अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो अध्याय कौन कौन सा है। इसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि आरटीई एक्ट 2009 के जो अध्याय हैं वो टोटल 7 अध्याय को जोड़ा गया है इसके अंतर्गत। तो जिसमें हम लोग पहला डिस्कस करते हैं, तो पहला अध्याय है उसका नाम है प्रस्तावना। यानी कि टोटल जो है आरटीई एक्ट में 2009 वाला में टोटल कई गो अध्याय है, तो टोटल जो है 7 अध्याय है जिसमें पहला प्रस्तावना है। दूसरा है निःशुल्क यानी कि फ्री और अनिवार्य शिक्षा अधिकार, इस पर दूसरा अध्याय बनाया गया है। और तीसरा है केंद्र राज्य स्थानीय सरकारों
और अभिभावकों का दायित्व, यानी कि तीसरा अध्याय में है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, जो आसपास के सरकार है, नेता लोग, और उसके साथ साथ अभिभावक का क्या दायित्व होना चाहिए इसके बारे में। चौथा अध्याय है स्कूल और शिक्षकों का दायित्व, यानी कि स्कूल का दायित्व किस प्रकार होना चाहिए, शिक्षकों का क्या रोल होना चाहिए इसके बारे में। पांचवा है प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना, यानी कि पांचवा जो अध्याय ये बताया गया कि जो उसकी किसी भी बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना चाहिए। और छठा है बाल अधिकारों की संख्या, यानी कि बच्चों की संख्या और उसके अधिकारों की संख्या की, यानी कि एक बच्चे का क्या अधिकार है, एक बच्चा का क्या कर्तव्य बनता है इसके ऊपर। फिर है लास्ट सातवां अध्याय अन्य प्रासंगिक बातें, यानी कि इसमें जो है अन्य बातों को रखा गया, प्रासंगिक बातों को। तो साथियों ये थे RTE एक्ट 2009 जिस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो साथियों आप इसको अच्छे से समझे होंगे और फिर इसी तरीके की से वीडियो आप अगर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें साथियों, क्योंकि हम इस चैनल पर लाते हैं बीएड से रिलेटेड जुड़ी हुई नोटिस यानी कि सूचना, और इससे पूरे इसका ऑल सिलेबस और उसका पूरा सॉल्यूशन। तो साथियों आज के वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।